पहले पूजे जाने वाले गणपति बप्पा की ख्याति पूरे देश भर में देखने को मिलती है। बप्पा के चाहने वाले पूरे देश में दिखाई देते हैं, लेकिन बप्पा के भक्त सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। विदेश में भी बड़े ही उत्साह के साथ बप्पा का उत्सव मनाया जाता है। ऐसा ही कुछ नजारा रूपाली गवाड़े और सचिन गवाड़े के यहाँ दिखाई दिया। वैसे तो माउंट फूजी जापान की पहचान है, इससे फूजी को दूर से देखा जा सकता है। दरअसल यह एक ज्वालामुखी पर्वत है, लेकिन समय के साथ वह शांत हो गया है, इसलिए यहाँ के लोग इस पहाड़ पर चढ़ने जाते हैं। अब इसी पहाड़ की प्रतिकृति बनाकर गवाड़े परिवार ने बप्पा को विराजित किया है। सुंदर बड़ा बर्फ से ढका माउंट फूजी, उस पर चढ़ते लोग, इसके नीचे रेलवे स्टेशन, उसके ऊपर से उड़ता हुआ विमान और इन्हीं सारी चीजों में बप्पा का आसन, ये दृश्य सच में बेहद ही खूबसूरत दिखाई दिया। गणपति उत्सव हा भारतातच नव्हे तर संपूर्ण जगामध्ये मोठ्या हर्षोत्सवात साजरा केला जातो। आम्ही जपानमध्ये 5 वर्षापासून राहत आहोत। इथे आपले भारतीय प्रत्येक वर्षी गणपती उत्सव साजरा करतात। गणपतीची प्रतिमा ही भारतातून मागवून जपानमध्ये स्थापित केली जाते। यावर्षी सुद्धा गमने परिवारांचा गणपती बाप्पांचे टोकियोमध्ये आगमन झाले। भारतीय मित्रमंडळीच नव्हे तर जपानच्या नागरिकांनी आमच्या गणपती बाप्पांचे दर्शन घेऊन कार्यक्रमाची शोभा वाढवली। यावर्षी आमच्या गणपती बाप्पांची थीम ही भारत आणि जपानच्या मित्र संबंधावर आणि माउंट फुजीवर आधारित होती। माउंट फुजी हा सर्वात मोठा ज्वालामुखी असून देश विदेशातून याला बघण्यासाठी आणि याच्या शिखरावर चढण्यासाठी जपानमधील लोक येतात। यावर्षी आम्ही महाप्रसादाचा, कीर्तनाचा, भजनाचा कार्यक्रम गणपती उत्सवाच्या निमित्ताने आयोजित केला होता। गणपती बाप्पा मोरिया।